सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो क्वेश्चन फर्स्ट है cos x dx अपॉन 1 प्लस 9 sin स्क्वायर x गिवन है आपका इतना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम क्या किए हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 sin स्क्वायर x को हम 3 sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 9 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 sin x का होल स्क्वायर। यानी इसके जगह पर हम इस फॉर्म में इसको लिख दें इतना। नाउ हमने क्या किया है, 3 sin x को जेड मान लिया है, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 3 कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट ही रहेगा और ये डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x dx इतना हो गया और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dz। ठीक है, अब 1 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3 dz। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन पाते हैं हम, इंटीग्रेशन है आपका ये तो cos x dx का अब हम वैल्यू रखते हैं कितना है, तो cos x dx इज इक्वल टू देखिए 1/3 dz है तो 1/3 dz लिख दिया हमने dz बाई 3। देखिए cos x dx और नीचे में देखिए आपका ये है तो इसके जगह पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको तो जेड माने तो ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, बचा आपका 1/1 + z² dz। तो ये देखिए तो आपका ये इंटीग्रेंड जो है जिसको इंटीग्रेट करना किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है dx अपॉन 1 + x² dx। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। देखिए 1/3 तो कॉन्स्टेंट था तो tan इनवर्स z प्लस कर दिए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला पे इतना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। अब हम क्या कहें, जेड का वैल्यू जो है वो रख दिए हैं तो 1/3 टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 sin x, तो 3 sin x रख दिए यहाँ पे देखिए प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर टू है गिवन है इतना, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किए हैं क्या, इसमें हम कोस का पावर 4x से मल्टीप्लाई किए हैं और कोस का पावर 4x से डिवाइड दिए हैं, यानी जितना नंबर से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है उतना ही नंबर से डिवाइड दे दिया है, यानी देखिए ये एक कट जाएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए 1/cos4x को हम क्या हम लिख सकते हैं, कोस का पावर 4x, क्योंकि 1/cos²x क्या होता है, 4x देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका sec का पावर 4x। ठीक है, तो 1/cos4x ये दोनों पार्ट ये जो है आपका हो जाएगा आपका sec का पावर 4x लिख दिया, ये बचा आपका 1/cos4x, यानी ये वाला पार्ट बचा आपका नीचे में। तो इस वाले पार्ट से हमने क्या किया, प्रत्येक में डिवाइड दिया है, देखिए डिवाइड दिया है प्रत्येक टर्म में, तो इसमें डिवाइड दिया है तो sin का पावर 4x / cos का पावर 4x प्लस इसमें डिवाइड दिए इतना और इसमें इससे। ठीक है, तो sec का पावर 4x को हम sec² x * sec² x लिख सकते हैं, तो आपका ये तो हो जाएगा sec का पावर 4x ही ऐड की जगह पे, ये और देखिए डिवाइड होगा तो sin का पावर 4x / cos का पावर 4x इक्वल टू हो जाएगा 10 का पावर 4x और ये आपका देखिए ये कटेगा यहाँ से तो बचेगा ये और ये sin² x / cos² x तो विच इज इक्वल टू 10² x + 1। ठीक है, आइए देखिए कट जाएगा टोटल, बचेगा आपका 1, तो 1 लिख दिए हैं। नाउ sec² x आगे देखिए sec² x जो इक्वल टू होता है 1 + tan²x, 10 के रूप में लिख दिया हम इसको sec² x को, तो 1 जो कि होता है 1 + tan²x और ये sec² x dx को जो था वैसे ही हम लिख दिए हैं। नीचे में देखिए ये जो था उतना ही हम इसको लिख दिए। अब हम क्या किए हैं, 10x को जेड मान लिए हैं, यानी जो है ना 10 इसको हम जेड मान लिए हैं, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो हो जाएगा इसका sec² x dx। नाउ sec² x dx इज इक्वल टू डिजिट, नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू दिस फॉर्म आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए तो 1 + tan²x, 10x को हमने क्या माना जेड, तो 1 + z² हो जाएगा और sec² x dx इज इक्वल टू डिजिट तो लिख दिया हमने। नीचे में देखिए 10 का पावर 4x है तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू जेड, तो 10 का 4x है तो जेड का पावर 4 हो जाएगा, ये जेड 10² x है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 लिख देंगे। नाउ नमरेटर और डिनोमिनेटर में, नमरेटर आपका ये है डिनोमिनेटर ये है, नीचे वाला में हम जेड स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, तो देखिए जब डिवाइड देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट इंटीग्रेशन आई, 1 में डिवाइड देंगे जेड स्क्वायर से तो 1/z हो जाएगा, जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर से डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा,
ठीक है, अब नीचे में हम डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा जेड का पावर 4 है। मैं आप जेड का पावर स्क्वायर जेड का पावर 2 से डिवाइड दीजिएगा तो जेड स्क्वायर बचेगा, इसमें डिवाइड दीजिएगा जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर तो 1, इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे हमने क्या किया है, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिखा है, देखिए 1 को पहले लिख दिया इसको बाद पीछे लिखा है, इसमें हम क्या किया है जेड स्क्वायर को पहले लिखे हैं फिर इसको लिख दिए हैं और इन दोनों को एक पेयर ले लिए हैं। ठीक है, एक साथ ले लिए इन दोनों को और 1 को सेपरेट लिखे हैं बगल में। नाउ आगे देखिए ये अल्फा पार्ट यहाँ लिखा गया, अब देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 बटा जेड स्क्वायर को हम जेड माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 यहाँ तो आपका कट जाएगा ये वाला, तो इसके बदले जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर जो है उसके बदले हम इस पार्ट के बदले हम दिस पार्ट लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2, और 1 जो था वहाँ हम लिख दिए 1। देखिए क्योंकि क्यों लिखा हमें ऐसा, क्योंकि देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड माइनस 1 बाई 2 1 बाई जेड अपॉन सॉरी जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर और प्लस 2, यहाँ तो जेड जेड कट जाएगा आपका तो बचेगा 2। ठीक है, तो नाउ देखिए ये वाला पार्ट 2 यहाँ लिखा गया हम लिख दिए, इसमें तो बचा 2 2 का जेड जेड कैंसिल हो गया तो बचा अब सिर्फ कितना 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, ये वाला था वैसे ही लिखा गया। अब देखिए इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला तो यहाँ लिखा गया ये भी, और 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, देखिए जेड माइनस 1 बाई जेड को वाई मान लिया है, ठीक है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जेड सॉरी 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा और वाई का डिफ्रेंशिएशन डीवाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपका इंटीग्रेशन देखिए क्या आ जाता है, 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू डी वाई, तो डी वाई लिख दिए, देखिए इतना इज इक्वल टू कितना के बराबर है तो डी वाई के बराबर है तो लिख दिया हमें, और ये जो तो इसको तो हम जेड माने तो जेड जेड स्क्वायर हो गया और ये कॉन्स्टेंट है तो रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका इंटीग्रेंट जो है किस फॉर्म आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है इस इंटीग्रेंट का किस फॉर्म में है वो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए यानी रूट 3, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स, एक्स यानी वाई, एक्स यानी क्या है वहाँ पे यहाँ पे इसको वाई ना माना गया है जी, ये तो यहाँ पे वाई होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो टेन इनवर्स वाई बाई ए तो वाई लिख दिया और ये ए प्लस ए, अब देखिए वाई की जगह पर हम कितने बराबर वाई वाई जो बोल टू दिस पार्ट, तो वाई की जगह पर हम ये लिख देते हैं, लिख दिए हैं जेड माइनस 1 बाई 2 1 सॉरी 1 बाई जेड अपॉन रूट 3 प्लस ए, अब इसका एलसीएम लिया है तो ये जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड हो जाएगा, तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड तो ये नीचे मल्टीप्लाई है तो रूट 3 जेड हो जाएगा प्लस ए, आपका आंसर हो गया। अभी आपका आंसर नहीं हुआ है क्योंकि आप अभी तो जेड का वैल्यू पुट नहीं किया गया है, तो जेड का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन एक्स था, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, 3 का फर्स्ट क्या है, यह आपका क्वेश्चन है इतना, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को तो वैसे ही लिखा जाएगा, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कोस का पावर 4 2x, कोस का पावर 4 2x को हम कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोस का पावर 4 2x है तो इसको हम कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे। अब हम क्या किया है, देखिए कोस स्क्वायर 2x को जेड मान लिया है, ठीक है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 2 2 कोस 2x, लेकिन x तो है नहीं, है cos 2x है तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x। ठीक है, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए क्या है ये माइनस sin 2x ना, तो देखिए माइनस sin पहले लिख दिया हम और कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट से भी 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो 2 dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपका इतना आ गया और इसका डिफरेंशिएशन dz। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 ये माइनस 4 आएगा जब मल्टीप्लाई होगा तो, और कॉस 2x इंटू साइन 2x dx इज इक्वल टू dz,
-4 का आरजे साइड लाएगा तो -1/4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इंटीग्रेशन पर आइए, नाउ इंटीग्रेशन आपका ये है, देखिए cos 2x sin 2x dx इक्वल टू कितना, -1/4 डिजिट, तो -1/4 डिजिट है ना, देखिए लिख दिए हैं, इसके बराबर इतना अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये तो उसको हम जेड माने हैं तो जेड का स्क्वायर लिख दिए इसको, इज इक्वल टू 1 -1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन डिजिट अपॉन 3 का स्क्वायर -z². अब देखिए आपका इंटीग्रेंट किस फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, अब इस इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स x/a, तो साइन -1/4 कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी जेड, जेड बाई ए यानी 3, तो साइन इनवर्स x/a + c। अब हम जेड जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं जो है, तो -1/4 साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू cos² 2x, पुट कर दिया अपॉन 3 + c, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं 2, 3 का 2, देखिए आपका क्वेश्चन है cos x dx अपॉन √sin²x - 2sin x - 3। इसमें हमने क्या किया है कि देखिए साइन एक्स को जेड मान लिया, ठीक है, तो इसमें फिर इसका डिफरेंशिएशन किया तो cos x dx इक्वल टू डिजिट हो गया। नाउ आपका इंटीग्रेंट अब किस फॉर्म में आ गया, देखिए cos x dx इक्वल टू डिजिट, तो डिजिट हमने लिख दिया, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू डिजिट अपॉन sin²x को जेड माना था, जेड अंडर रूट z² ये -2sin x, यानी -2z हो जाएगा, -3 का 3 लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम देखें क्या क्या है, डिजिट अपॉन अंडर रूट नीचे में क्या क्या है, z² को z² है, -2z को भी लिख दिए, इसमें क्या है +1 ऐड किए हैं और -1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, ये 3 का 3 माइनस लिखा गया 3, ठीक है, यानी इसमें हम प्लस ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए 1 कर दिए हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे आपका यह डिजिट अपॉन अंडर रूट z² -2z, ठीक है, अब +1 ये -1 और -3 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, अब प्लस को 1 का प्लस 1 ही रहने देंगे, जबकि -1 और -3 को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए z² - 2z + 1 विच इज इक्वल टू z - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ से आपका जो है ये वाला पार्ट, ये जो है आपका z - 1 का होल स्क्वायर के बराबर है, तो लिख दिया, तो -4 को जो है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए आपका इंटीग्रेंट इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन जो है जिसको करना है इस फॉर्म में आ गया है, तो z - 1 जो है आपका x है, ठीक है, और 2 जो है a है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x + √x² - a² तो log x, तो log x देखिए x - 1 = x, z - 1 = x, ठीक है, ठीक है, तो log x + √x² - a² + c। नाउ log z = sin x, तो log sin -1 + √sin x - 1 का होल स्क्वायर पुट किए हैं, जेड का वैल्यू साइन एक्स रख दिए हैं जो कि है, देखिए z = sin x, तो साइन एक्स का वैल्यू पुट किया और उसका 2 का स्क्वायर करें तो -4 हो जाएगा +c, ठीक है। अब log sin x - 1 प्लस अंडर रूट इसको एक्सपेंड किए हैं a - b के फॉर्मूला पर, तो sin² a + b² - 2ab -4 + c, तो log sin x - 1 प्लस अंडर रूट हो जाएगा sin² x - 2sin x +1 - 4 = -3 + c, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब देख लीजिए फिर से, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए इतना यह है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो गिवन है आपका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है आपका उसमें हम cos4x से डिवाइड देते हैं, देखिए डिवाइड दिए, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए cos का एरिया ही ना है, तो cos4x अपॉन cos4, ठीक है, यानी एक बार मल्टीप्लाई किए हैं तो एक बार डिवाइड भी दे दिए हैं, जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से डिवाइड दिए हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको ये तो आपने 1/ ना हो जाएगा ना जी, तो 1 अपॉन cos4x इक्वल टू हो जाएगा sec4x dx, और इस वाला नीचे वाला जो बना है बचा है cos4x, इससे हम दोनों में डिवाइड देते हैं, देखिए डिवाइड दिए हैं दोनों में, ठीक है, तो sec4x को हम sec²x - sec²dx लिख सकते हैं, ये देखिए आपका चेंज हो जाएगा 10 का पावर 4x में ये वाला, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 आपका, ठीक है। नाउ
sec स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इतना इसको वैसे ही रहने देते हैं, sec स्क्वायर एक्स dx आपको इस फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया है, देखिए tan x इज इक्वल टू z माना है, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया था, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dz के बराबर आ गया। नाउ इंटीग्रेशन आपका ये बिकम्स हो जाएगा क्या, 1 प्लस z स्क्वायर, क्योंकि tan x इज इक्वल टू z, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू z स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन ये z का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 dz, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डिजिट, इतना डिजिट पुट कर दिया हमने। नाउ फिर हमने क्या किया है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर से फिर से डिवाइड दिया है, देखिए तो देन वी गेट आई, 1 में डिवाइड दीजिए जेड स्क्वायर से, तो 1 अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर में बाई जेड स्क्वायर, तो 1 बचेगा, ये तो हो गया नोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में देखिए जेड का पावर 4 में जेड स्क्वायर से डिवाइड दीजिए, तो आपको बचेगा जेड स्क्वायर, 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया आपका। आगे इसको पहले लिख दिए हैं देखिए, और इसको पीछे लिखे हैं, इसमें देखिए इस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू, पिछले फॉर्मूला क्वेश्चन में हमने बताया है कि ये पार्ट जो होता है इसके बराबर होता है जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है, तो मैंने डायरेक्ट यूज किया है इतना, ठीक है। नाउ फिर हमने क्या किया है, देखिए जेड माइनस 1 बाई जेड को वाई मान लिया है, ठीक है, ये बनाने का प्रोसेस है, ऐसा ही करना पड़ता है आपको। लेट जेड माइनस 1 बाई जेड को वाई मान लिया, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया आपका होगा, डिफ्रेंसिएट का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 अपॉन जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर डिजेड, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका डिवाई। नाउ देखिए 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डिजेड इज इक्वल टू डिवाई है, तो डिवाई लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इसमें, ठीक है, इसको तो जेड माना है, तो ये हो गया, सॉरी इसको वाई माना है, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 है आ जाएगा, ठीक है। नाउ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 को हम रूट 2 का हुआ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये फॉर्म किस फॉर्मूला में आ गया है, आपको फॉर्म में इंटीग्रेंट है आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए, ए इज इक्वल टू क्या है रूट 2, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इज इक्वल टू वाई है आपका, एक्स बाई ए, ए इज इक्वल टू 2 प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, तो 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या जेड माइनस 1 बाई जेड, तो लिख दिया और √2 इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड, तो यहाँ पे जेड क्या है मल्टीप्लाई में है, तो √2 जेड हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। नाउ अब जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा, तो 1 अपॉन √2 टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 10x, यानी यहाँ जेड स्क्वायर है तो 10x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन √2 10x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो गिवन है आपका ये, गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना, अब हम क्या करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, देन देखिए डिवाइड देते हैं एक्स स्क्वायर में, वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिए, तो आपको बचा 4 है, 4 में एक्स स्क्वायर से डिवाइड दीजिएगा तो 4 अपॉन x² हो जाएगा, ठीक है, इसमें नीचे से डिवाइड दीजिए तो इसमें यहाँ पर बचेगा x², इसमें डिवाइड दीजिएगा 16 में, तो बचेगा हो जाएगा आपका 16 अपॉन x² dx, ठीक है, 1 प्लस 4 बाई x² अपॉन, इसको देखिए हम लिख सकते हैं x - 4 बाई x² प्लस 8, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, देखिए ये ऐसा है आपका इंटीग्रेशन, फर्स्ट नोमिनेटर वैसे लिखा गया, इसको देखिए x - 4 बाई x² 8 को हम √2 √2² लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए x - 4 बाई x को जेड मान लिए हैं, ठीक है, लेट x - 4 बाई x इज इक्वल टू जेड, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया है तो आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। नाउ हमने क्या किया है x - 4 बाई x को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंसिएशन क्या था, 1 x का डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन 4 अपॉन x² dx इज इक्वल टू डीजेड का जेड का डिफ्रेंसिएशन dz, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, देखिए नाउ आई 1 प्लस 4 बाई x² dx इज इक्वल टू डीजेड, तो डीजेड लिख दिया, और इसको तो हमने क्या माना है वाई, सॉरी जेड माना गया है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये 2√2² तो देखिए अब ये इंटीग्रेट क्या हो गया है, इस फॉर्म में है dx / x² + a²
where a is equal to 2 root 2 and x is equal to z. The 1 upon a tan inverse x by a plus c. ठीक है, 1 by a tan inverse x by a, x is equal to, z is equal to क्या, इतना, इसके z is equal to इतना लिखा गया है, इसके बराबर अपॉन 2 root 2. अब इसका एलसीएम लिया है तो x square minus 4 upon 2 root 2 x plus c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.